हुए राजनेता की है। के साथ और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। मैं गुजारिश करूंगी टीवी 9 भारतवर्ष के मैनेजिंग एडिटर पारितोष चतुर्वेदी से भी कि वो राजनाथ जी के साथ मंच पर आएं और टीवी 9 की ओर से उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजनाथ सिंह जी के लिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया पारितोष जी। तो राजनाथ सिंह जी के साथ सवाल जवाब के लिए मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी को। निशांत, एक बार तालियां हो जाए, सेशन शुरू होने वाला है। मैं चाहूंगा एक बार हमारे सेशन की शुरुआत है, बहुत जोरदार तालियों से राजनाथ जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी देश वाकई में बड़े मजबूत हौसलों के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें रक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। राजनाथ जी, आपको एक बहुत सरल, सौम्य और मिलनसार नेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे ही आप रक्षा मंत्री बने हैं आप एंग्री यंग मैन बन गए, चीन और पाकिस्तान पर जमकर धारते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं बहुत सरल, सहज और मैं सौम्य हूं। वैसे जितना आप मुझे सरल, सहज और सौम्य मानते हैं, मैं समझता हूं कि मुझसे कहीं अधिक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सरल, सहज और सौम्य हैं। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि झाड़ू लगाने का काम करता है, जिसकी भूमिका स्वीपर की है, उसका पांव पखारने का काम यदि कोई करता है तो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करते हैं। गरीब परिवारों के साथ बातचीत करते समय उनका कैसा सहज, सौम्य और सरल व्यवहार रहता है, उसे भी आपने देखा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक अहंकार मुक्त मुख्य प्रधानमंत्री, लेकिन मैं उतना सरल हूं, सहज हूं, सौम्य हूं, इसकी जानकारी पहली बार मुझे हुई है। लेकिन परमात्मा की यह कृपा जरूर है मेरे ऊपर कि मन में जल्दी अहंकार पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा होता है स्वाभाविक रूप से उसका कद अपने आप छोटा हो जाता है। जैसे किसी नंबर के पहले कोई पॉइंट लगा दीजिए तो उस पॉइंट की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे 1 के पहले पॉइंट लगाइए तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, 1/10 हो जाती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा उसका कद भले ही उसकी नजरों में बड़ा हो लेकिन समाज की नजरों में कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आपने कहा कि मैं सरल, सहज, सौम्य हूं तो इसका मतलब कि ईश्वर की मेरे ऊपर भी कृपा है। यदि हूं तो मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि मैं हूं, क्योंकि आपने गारंटी शब्द का जिक्र किया है तो मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। इस वक्त दुनिया में बड़े कठिन हालात हैं, एक तरफ यूक्रेन में 2 साल हो चुके हैं युद्ध चल रहा है, मिडल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अब अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा तनाव है, वहां पर भी ऐसा लग रहा है सिविल वॉर के हालात हैं। देश की सुरक्षा की गारंटी देना और लेना इस देश की सुरक्षा की गारंटी इस दौर में कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? मैं इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं, या मैं मानता हूं कि विश्व इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध और साथ ही साथ इसराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, लेकिन जो भी इस समय युद्ध चल रहे हैं उसमें इसको शांत करने में भी यदि कोई प्रभावी भूमिका दुनिया का कोई देश निभा सकता है तो केवल भारत निभा सकता है। और आपने देखा होगा कई ऐसे अवसर आए जिसने इसे सिद्ध कर दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मान्यता
लगभग दुनिया के सभी राजनेताओं में है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय रूस और यूक्रेन का वार प्रारंभ हुआ था, उसी समय जब हमारे भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो कि मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उनके गार्जियंस ने यहां पर मांग करनी शुरू कर दी कि चाहे जैसे भी हो आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उस काम को नहीं कर पाया, उसको मोदी जी ने किया। उन्होंने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और साथ ही साथ अमेरिका, क्योंकि एक बिग पावर, मेजर पावर इस वर्ल्ड का है, और उसकी भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका रही है। तो राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। 4.5-5 घंटे के लिए रूस यूक्रेन वार रुक गया, और बड़ी संख्या में हमारे भारत के रहने वाले छात्र जो यूक्रेन में थे वह लौट कर भारत आ गए। तो इस काम को वही देश कर सकता है, वही नेता कर सकता है जिसके प्रति लोगों का विश्वास हो, भरोसा हो, सम्मान हो। तो मैं समझता हूं कि विश्व में शांति स्थापना की भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस समय विश्व में दुनिया का कोई देश निभा सकता है तो वह केवल भारत निभा सकता है। हम बात अगर पीओकी की करें तो वहां पर आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आए दिन बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। भारत का स्टैंड क्या है इस पर, इन दोनों की अगर बात की जाए तो? देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। भारत तो यह चाहता है कि जितने भी हमारी पड़ोसी देश हैं उनमें शांति हो, समृद्धि रहे, लोग अमन चैन के साथ रहें, हमारी सोच तो यही रहती है। लेकिन जो आपने कहा यह सच कहा कि पाकिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है, आतंकवाद का बोलबाला है, और आए दिन कहीं ना कहीं कोई बड़े जन आंदोलन पाकिस्तान में होते ही रहते हैं। और लेकिन पाकिस्तान की जनता कोई बहुत, मैं लोग कभी कभी पाकिस्तान की जनता के बारे में भी टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता कभी, मैं उनको दोषी करार नहीं करता। लेकिन हुक्मरान कि केवल हम सत्ता में बने रहें इसके लिए कुछ ऐसी नापाक हरकतें करते हैं जिसके का परिणाम स्वरूप भारत के साथ रिश्ते खराब होते हैं। अब हम सत्ता में बने रहें, सत्ता में आने के लिए हम सत्ता में आए इसके लिए आतंकवादियों का सहयोग प्राप्त करना, वहां के अन सोशल एलिमेंट्स का जो है सहयोग प्राप्त करना, जब तक यह सब सारी प्रवृत्ति रहेगी और आतंकवादियों को संरक्षण देते रहेंगे तब तक मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। और खुलकर यह पाकिस्तान बोले, और बोले ही नहीं बल्कि उस पर अमल करे कि हम आतंकवादी वारदातों को रोकेंगे, आतंकवादी ठिकाने हम नहीं चलने देंगे, उनके प्रशिक्षण के अंदर नहीं चलने देंगे, तो उसके बाद कभी भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य होने पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे कि जीवन की सच्चाई है समाज जीवन की या मनुष्य जीवन की, कि दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए बराबर पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखने चाहिए। राजनाथ जी, पिछले 10 सालों में आप दो बड़ी भूमिकाओं में रहे, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। जब आप गृह मंत्री थे तो नक्सलवाद पर प्रहार किया, अब आप रक्षा मंत्री हैं, कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट हुआ और आतंकवाद का काफी हद तक सफाया हो चुका है, लेकिन इन दोनों विषयों पर अभी क्या स्थिति है? देखिए, मैं गृह मंत्री रहा हूं लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के हमारे गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, नक्सलवाद को भी नियंत्रित करने में और साथ ही आतंकवाद पर काबू पाने में भी। और उनकी जो इस समय की भूमिका है उसकी मैं पूर्व गृह मंत्री होने के नाते उसकी मैं सराहना करता हूं। केवल इसलिए सराहना नहीं करता हूं कि मैं उस पार्टी का हूं, मैं उनका सीनियर हूं, इसलिए सराहना नहीं करता,
इस कारण सराहना करता हूं, यह सच्चाई है। हां, प्रयत्न मैंने भी किया था और काफी हद तक हमें कामयाबी हासिल हुई भी थी, लेकिन आगे और कुछ करने की जरूरत है। लेकिन वर्तमान गृह मंत्री को, अमित जी को, इसमें काफी अच्छी कामयाबी हासिल हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं उनकी सराहना करता हूं। और आतंकवाद के ऊपर? आतंकवाद तो आप देख रहे हैं कश्मीर की हालत इस समय क्या है। कश्मीर में इस समय अमन अमान के हालात हैं, अमन चैन है, और कश्मीरी लोग बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो लोग स्वयं महसूस हो रहे हैं। अब कश्मीर भी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ चला है, और आप देखिए पर्यटकों की संख्या भी निरंतर कश्मीर वैली में बढ़ती जा रही है लगातार, और लोग ये कहते हैं कि अब कश्मीर पहले वाला कश्मीर अब लगने लगा है हमको। ठीक कह रहे हैं आप, जिन सड़कों पर पत्थर होते थे अब सचिन क्रिकेट खेला कर रहे हैं वहां पर। लेकिन एक अपनी गवर्नमेंट की अप्रोच, उसके बारे में मैं बतलाना चाहूंगा कि आतंकवाद को हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ प्रारंभ से ही जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है हम लोगों ने किया है और आगे भी करेंगे। आपने देखा जरूरत पड़ी थी हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की, जरूरत पड़ी थी हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन तकलीफ उस समय होती है जबकि हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, इनकी सर्टिफिकेट दीजिए, प्रमाण दिखाइए, इससे बड़ी विडंबना और दूसरी क्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत ने यह किया होता तो उस हुकूमत का हम स्वागत करते। और आपने देखा हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की सराहना की थी, दुर्गा कहकर पुकारा था श्रीमती इंदिरा गांधी को। हेल्दी डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स होनी चाहिए तो वैल्यूज की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मूल्यों की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। विरोध के लिए ही केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए, यह हमारी सोच है। मैं क्या ये समझूं कि आज की पॉलिटिक्स में वो वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज्ड होते जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अब धीरे धीरे उन वैल्यूज के प्रति प्रतिबद्धता लोगों की कुछ बढ़ी है, मैं ये मानता हूं। लेकिन परमात्मा जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, यह मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। अब मैं आपके विभाग के बारे में बात करूंगा। रक्षा मंत्री जी, पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ जो यूपीए के टेन्योर के दौरान नहीं हुआ? देखिए, जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टैंक, गोले, बारूद, एम्युनिशंस, यह सब तरह मिसाइल्स, प्रायः हर चीज हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, और उस समय विश्व का सबसे बड़ी इंपोर्टर कंट्री कोई थी तो वह भारत थी इस मामले में। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इन 9 वर्षों के अंदर ही दुनिया की टॉप 25 एक्सपोर्टर कंट्रीज की क्यू में आकर खड़ा हो गया है। जब मैंने डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी तो उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर भारत का होना चाहिए इस अप्रोच के साथ उन्होंने काम कराना प्रारंभ किया था, और उसका परिणाम अब दिखने लगा है। उस समय भारत जो एक्सपोर्ट करता था अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 900 था या 1100 अप्रॉक्सीमेटली यही अमाउंट था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हम 20,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि जल्दी ही 50,000 करोड़ तक का हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी आपने जिक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक्स का, कांग्रेस का यह आरोप है बार बार कि सर्जिकल स्ट्राइक उनके जमाने में भी होती थी लेकिन वो प्रचार नहीं करते थे, यहां पर प्रचार ज्यादा होता है। मैं समझता हूं कि अपनी कमजोरी को छिपाने का इससे अच्छा तरीका और कोई दूसरा नहीं हो सकता है।
भाई, यदि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कोई अटैक करे, कुछ भी छोटी मोटी भी हरकत करती है, सारी दुनिया को मालूम हो जाता है। और भारत इतना बड़ा काम कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो दुनिया को क्यों नहीं मालूम होगा? और पाकिस्तान स्वयं यह कह रहा है कि भारत हमारे ऊपर जुल्म ढा रहा है, उसके बाद भी उनको सर्टिफिकेट चाहिए। मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके से सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान नहीं खड़े किए जाने चाहिए। एक और चीज, आप कहते हैं देश में सुरक्षा का माहौल है, राहुल गांधी वो कहते हैं जगह जगह जाकर कि देश में भय का वातावरण है, डरो मत, लोग वो कहते हैं डरो मत क्योंकि लोग डरे हुए हैं। मैं समझता हूं जो डरा हुआ होता है वही लोगों से कहता है कि डरो मत। क्यों इतने डरे हैं, डरने का कारण क्या है? और कभी भारतवासियों को डराने की हमारी सरकार ने कोशिश नहीं की है। और हम तो, सच्चाई है कि हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, किसी देश को डराने की भी हम कभी कोशिश नहीं करते। एक मिसाल वो बतला दें जहां पर कि हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को डराने की कभी कोई कोशिश की होगी। अब यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। अब क्या आधार है यह बात समझ में नहीं आती। मैं समझता हूं कि उनके पास मुद्दों का अभाव है, क्योंकि विकास इतनी तेजी के साथ होता जा रहा है इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में, कि भारत ही क्या दुनिया भी उसे स्वीकार कर रही है तो आपको मालूम है। और अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्ष ही सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो केवल और केवल भारत की है। लेकिन अभी आपने जो कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि राहुल गांधी खुद डरे हुए हैं? अभी आपने जो कहा, क्या मैं ये समझूं कि वो खुद डरे हुए हैं? क्यों डरे हैं ये बात अब उन्हीं से पूछिए। नहीं, लेकिन क्या वो डरे हुए हैं? पता नहीं, यात्रा पर हैं, पता नहीं उनकी नजरों में भारत कहां टूट गया है कि भारत को जोड़ दे गए। मैं तो समझ नहीं पाया। और आप लोग भी इंटेलेक्चुअल हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि मेरा ज्ञान वर्धन करिए कि ये भारत कहीं टूटा हुआ है कि जोड़ने के लिए निकले हैं, किसको जोड़ने के लिए निकले हैं? क्या हम लोगों ने समाज को बांटने की कोशिश की है? क्या हम लोगों ने किसी स्टेट के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अथवा किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया है? पहले यही केंद्र सरकारें राज्यों को 31-32% दिया करती थी असिस्टेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हम 41-42% दे रहे हैं। और केवल बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दे रहे हैं, सभी गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मैं तो आपसे भी जानना चाहूंगा कि मेरा, मुझे बतलाइए कि कहां पर हम लोगों ने किसको डराने की कोशिश की, कहां किसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है? वो कहते हैं कि ईडी भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं जो गलत करेगा, तो ईडी का अपना काम है, ये सब जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अपना काम करेंगे। उनका कहना है कि करप्शन को बढ़ने देना चाहिए, यही चाहते हैं। ये सच्चाई को भी समझना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को, शायद ही कोई एक उनकी गवर्नमेंट रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। और एक गवर्नमेंट तो ऐसी रही है जिसमें कि उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन 9-10 वर्षों का समय गुजर गया, कोई भी, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार के दामन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया। लेकिन अब वही ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि हमारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी उनके लिए वॉशिंग मशीन हो जाती है। अरे जो आ रहे हैं तो हम क्या करें, जो आ रहे हैं वो आए, उनका स्वागत है। जो गड़बड़ करेंगे, जिनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई होगी। हमने किसी को यह नहीं कहा है, किसी को आरोप मुक्त कर दिया होगा, आप आरोप मुक्त हो गए। किसको आरोप मुक्त किया हम लोगों ने?
एक चीज जो बार बार अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं उसमें कहा गया कि अग्निवीर योजना जो है उन्होंने उसका बड़ा अलग तरीके से एक प्रचार कर रहे हैं कि इससे नुकसान पहुंच रहा है युवाओं को, क्या स्थिति है ये बतला? ये क्या आर्मी में यूथफुलनेस नहीं आनी चाहिए? सेना में यूथफुलनेस नहीं आनी चाहिए? सेना में यूथफुलनेस लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा नौजवानों का पार्टिसिपेशन हो, जो जरूरत पड़ने पर बिल्कुल सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा कर सकें, उनका परसेंटेज बढ़े, इस बात को ध्यान में रखकर अग्निवीर योजना यह प्रारंभ की गई है। अब इसमें 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के नौजवान सीमा पर जिस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं स्वाभाविक है, जो 40, 45, 50 की 55 की उम्र का होगा वैसी भूमिका नहीं निभा पाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नहीं निभा पाएगा, बहुत निभाते ही हैं हमारे सेना के जवान, लेकिन ज्यादा श्रम करने के लिए और साथ ही साथ जिनके अंदर जोखिम उठाने का एक भाव होता है या नौजवानों के अंदर अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, तो यह यूथफुलनेस आर्मी के अंदर लाने के लिए ही हम लोगों ने यह अग्निवीर योजना प्रारंभ की है। और आपने देखा होगा यदि वो 4 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको जॉब दिया जाए, उनके लिए तरह तरह की कई विभागों में लगभग भारत सरकार के सभी विभागों में रिजर्वेशन वगैरह की व्यवस्था उनके लिए कर दी है। ऐसा नहीं है कि वो जाकर सीधे घर पर बैठ जाएंगे, कुछ सर्टेन अमाउंट भी उनको दे रहे हैं ताकि कोई बिजनेस करना चाहे, व्यापार करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उनको अन्य भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी है एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों का, यह है यहां पर आगे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी, वो करेंगे। अभी हमने सुना और कई बार देखा भी है कि आप कहते थे कि जो भी मुल्क भारत की तरफ देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने वो डोकलाम भी देखा, पुलवामा भी देखा, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति एक दूसरे के पूरक होती है। क्या विदेशों में इंटरनेशनली भारत ने अपनी नीति एकदम स्पष्ट कर दी है? क्या विदेशों में इंटरनेशनली भारत ने अपनी पूरी नीति स्पष्ट कर दी है कि हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, इस संकल्प के साथ हम काम करते हैं। और आप स्वयं भी ये देखेंगे विश्व में दुनिया का अकेला देश यह भारत है, अकेला देश यह भारत है जो आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। दुनिया के कई देशों की हिस्ट्री में आपको बतला सकता हूं कि उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों पर आक्रमण किया होगा, दुनिया के दूसरे देशों की जमीन कब्जा की होगी, लेकिन भारत के बारे में दुनिया में कोई नहीं कह सकता। चीन से कमांडर लेवल की करीब आपकी 20-21 राउंड की बैठक हो चुकी है, WMCC की बैठक हो चुकी है, चीजें कहां तक आगे बढ़ी हैं? वो जो एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर तनाव है वो कहां पर है? क्योंकि अब एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, अब हम 2024 के चुनाव में जा रहे हैं, वहां पर क्या हालात हैं अभी? बस इतना ही कहूंगा कि बातचीत चल रही है, अच्छी चल रही है, चिंता का विषय नहीं है। अब मैं सार्वजनिक रूप से इन चीजों को तो नहीं समय बतला सकता क्योंकि बातचीत का दौर इस समय चल रहा है जी। लेकिन इतना मानिए कि झुक कर बात नहीं हो रही है, इतना ही कहूंगा। अच्छा, वहां और मैं अपने प्रधानमंत्री की नेतृत्व में और जैसा उनका वो है, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। देखिए, क्यों नहीं बात सफल हो पा रही है, लेकिन फिर भी बात तो चल रही है। वाह, मैंने नहीं परिणाम निकल पा रहे हैं लेकिन फिर भी बातचीत चल रही है। अच्छा, बातचीत इसका मतलब कि वह भी तैयार हैं बात करने के लिए, तभी हम बात कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हम कमजोर हैं, हम बात करना चाहते हैं और वो भाग रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के हम बात कर रहे हैं, वो भी बात करना चाहते हैं। अब समझ लीजिए कुछ ना कुछ है।
वो क्या है ये नहीं बताऊंगा। ठीक, मैं एक रेफरेंस पॉइंट यहां पर आपसे लेना चाहूंगा, फिर से एक बार उनका जिक्र कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जब वो लद्दाख गए तो लोकल लोगों ने कहा कि भारत की जमीन पर चाइना ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। अब पता नहीं किसने कहा उनसे, अब तो वही जानते हैं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो एक चीज मुझे ये बताइए कि हम देखने सीमावर्ती और कैसे भारत की जमीन कब गई है, कितनी गई है, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर गई है कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ गई है, कैसे गई, सब सारा देश जानता है। लेकिन सब मिला जुला कर ही मैं कहूँगा कि अपनी देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर संदेह वह न करें, ये मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। और मैं उनको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आश्वस्त रहें कि देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे हम लोग। राजनाथ जी, एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि बहुत तेजी से सीमावर्ती इलाकों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या संदेश भारत दे रहा है? संदेश, अब जाकर हमारे भी सीमावर्ती क्षेत्रों को आप देखाइए। पहले हम लोग सीमा के नजदीक रहने वाले गांवों को देश का अंतिम गांव मानते थे, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं उनको हमने अंतिम गांव अब नहीं माना है, बल्कि भारत का पहला गांव सीमा के गांवों को हम लोगों ने माना है। अब यहां पर मैं बोलूंगा तो चाइना में भी छप जाएगा, लेकिन अब ये मान के चलिए कि अब कैसे कहें इसको, नहीं नहीं बोले, सीमा पर हमारी स्थिति काफी मजबूत हुई है पहले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना मैं कह सकता हूं, पहले के कंपैरिजन में बहुत मजबूत हुई है। आप उठाकर आंकड़े देख लीजिए, अब इसमें मेरे पास आंकड़े नहीं है तो मैं आपको आंकड़े बतला देता, लेकिन बहुत मजबूत हुई है पहले। लेकिन अगर आप आए दिन देखते होंगे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी लगभग 50, 60, 70, 80, 100 परियोजनाओं का हर 2-3 महीने में मैं लोकार्पण करने के लिए जाता हूँ, शिलान्यास करने के लिए नहीं, लोकार्पण करने के लिए जाता हूँ। तो मैंने कहाँ बन रही हैं, कहीं कहीं तो बन रही है ना। हाँ, उन्होंने पहले से अपना काम किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं, पहले से। अब भाई कोई अपनी भूमि पर यदि अपना कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे कैसे कोई रोकेगा, हम कर रहे हैं तो कोई रोक रहा है हमको? लेकिन भगवान न करे अगर कभी जरूरत पड़े, लेकिन क्विक मोबिलाइजेशन के भारत अब तैयार है, एकदम एक्सट्रीम टू द लास्ट पॉइंट। ईश्वर न करे कि कोई ऐसी नौबत आए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैंने तो अपनी सेना को यही कर रखा है। हमारे किसी आर्मी चीफ से पूछिएगा, लोगों ने कहा कि सब शांति है, ये सब कुछ कोई खास बात कोई ऐसी नहीं है। मैंने कहा कि शांति काल में भी किसी भी स्वाभिमानी देश की सेना को बराबर तैयार रहना चाहिए अपनी रक्षा के लिए, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हर समय हमारी तैयारी रहती है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हमारी तैयारी रहती है। पिछले 10 साल में आपने देश से 2 बड़े वादे किए, देश अब वो 2 वादों को के पूरा होने का इंतजार कर रहा है, पहला पीओके और दूसरा दाऊद इब्राहिम, पहला पीओके और दूसरा दाऊद इब्राहिम, क्या कहेंगे आप इस पे? पीओके की चिंता मत करिए, पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, मुझे लगता है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग 1.5 साल पहले आर्मी डे पर कश्मीर वैली में जब एक मेरा कार्यक्रम था आर्मी के जवानों के बीच, उस समय ही मैंने उनको संबोधित करते हुए कहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग स्वयं वहां से डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज होना है। अब आप देख रहे होंगे कई ऐसे प्रदर्शन वहां पर हुए भी हैं, खुद ही पीओके के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए। तो फिर भारत क्या करेगा? अब देखें वो लोग क्या होता है, आगे देखते जाइए। राजनाथ जी, अब मैं शुद्ध राजनीति पर आता हूं। आप 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे, 2014 में जब आप अध्यक्ष थे तभी पहली बार बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ, 2024 में राजनाथ सिंह जी की क्या भविष्यवाणी है? 2024 में अभी क्या भविष्यवाणी है आपकी? बीजेपी 370, क्योंकि अभी 370 समाप्त किया है हम लोगों ने कश्मीर का। और NDA 400 के पार, भविष्यवाणी यही है। और एक भविष्यवाणी हमारी और है,
सामान्यतः गलत नहीं होती हमारी भविष्यवाणी, ये तो आप जानते होंगे, अब तक नहीं हुई है। थर्ड टर्म में मोदी जी आ रहे हैं, फोर्थ टर्म में भी मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, जनता का ऐसा गहरा विश्वास दुनिया में किसी देश के लीडर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनसामान्य में एक विश्वास और भरोसे का भाव है। करिश्मा हुआ है इकॉनमी के फ्रंट पर, तो करिश्मा हुआ है। माने मैं भी लंबे समय से राजनीति करता हूं, इन सब सारी चीजों को देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हुआ है वो अप्रत्याशित है। माने कोरोना के लगभग 2 साल के गंभीर संकट के बावजूद अपनी इकॉनमी को संभाल लेना ये कोई छोटी बात है। माने बैंकों में हम देखते थे कि एनपीए प्रायः 10% 11% 11% रहा करता था, और आज हमारा बैंकों का एनपीए घटकर अप्रॉक्सिमेटली 3% के आसपास रह गया है। माने हमारी इकॉनमी की ग्रोथ रेट इन बिटवीन 6-7% बराबर बनी हुई है, 7% को क्रॉस भी कर जाती है, किसी महीने में मोर देन 8% हो जाती है, दुनिया के किसी देश की नहीं है। इस वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इस समय भी किसी की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। और आप समझिए कि लगभग 70 वर्षों का समय लग गया है ये लगभग 1.5-2 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने में इस देश को, अब हम लगभग 4 ट्रिलियन की इकॉनमी लगभग लगभग बन गए हैं, 3.75 इसके आसपास पहुंच गए हैं ट्रिलियन डॉलर की। और मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्गन स्टेनले जैसी फाइनेंशियल फर्म्स, हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म्स भी अब यह कहती हैं कि 2027 आते आते भारत को दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो खुद कहती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाईली रिप्यूटेड जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं वह कहती हैं। तो करिश्मा नहीं है तो और क्या है। हम लोग 2014 में 11वें स्थान पर थे और इतनी जल्दी टॉप 5 में आ गए, और 27 शुरू होते होते टॉप 3 में आ जाएंगे। यह है भारत। माने उस समय अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट बाहर से कराते थे, मांगते थे अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए। अब इस प्रकार की क्राइसिस इस समय नहीं है, सब चीज अंडर कंट्रोल है। एक इंडिया गठबंधन का कहना है कि अगर आप लोग या बीजेपी इतनी मजबूत है तो हमारे दोस्त क्यों तोड़ रही है, नीतीश कुमार आ गए, जयंत चौधरी आ गए, और ऐसा लगता है लाइन बहुत लंबी है। भाई कोई हमसे दोस्ती करना चाहता है तो मैं क्या उसको एकदम बिल्कुल बाहर कर दूं? नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ। वो आना चाहते हैं क्या? बीजेपी का परिवार अच्छा परिवार है, हम इसी परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या हम उनको खदेड़ के बाहर कर दें? हमने कोई जबरन तो किसी को बुलाया नहीं है कि आओ आओ हमारे साथ आ जाओ। वो देख रहे हैं कि सचमुच देश को शिखर पर कौन ले जा सकता है, तो उनकी भी समझ में आ रहा है कि इस देश को शिखर पर ले जाने का काम यदि कोई कर सकता है कि मोदी लेड गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसलिए वो आ रहे हैं हमारे साथ। आप अटल जी के करीबी रहे, करीबी थे, सहयोगी भी थे, लखनऊ से अटल जी की विरासत भी संभाल रहे हैं। अटल जी कहते थे कि जोड़ तोड़ करके सत्ता मिली तो उसे चिमटे से भी नहीं छूंगा, लेकिन आज लगता है कि जोड़ तोड़ वगैरह काम ही नहीं चलता। हम लोगों की सत्ता जोड़ तोड़ कर कहा है, क्लियर मेजॉरिटी है, क्लियर मेजॉरिटी है। उन्होंने तो उस समय कहा था जब कई पोलिटिकल पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती थी, उसके लिए टिप्पणी की थी उन्होंने। हम जोड़ तोड़ के कहां बना रहे हैं, हम तो क्लियर मेजॉरिटी है ही, क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी ही, और क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी ही देश को हम ही आगे ले जा सकते हैं, यह विश्वास जनसामान्य में पैदा करने में हमें कामयाबी मिली है, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं।
लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आप कभी गठबंधन तोड़ देते हैं, कभी उनके दोस्तों को तोड़ लेते हैं, कभी उनकी बनाई सरकार के विधायक तोड़ लेते हैं। नहीं, तोड़ते उड़ते किसी को नहीं, सब जोड़ते हैं लोगों को, तोड़ते नहीं। हम लोगों की कभी पॉलिटिक्स में भी नेगेटिव अप्रोच नहीं रही है, हम सभी लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों के एटीट्यूड में, हम लोगों की थिंकिंग में कभी भी नेगेटिविटी नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो हमेशा कहते हैं कि बड़ा नेगेटिव माइंडसेट है राहुल गांधी, वो बहुत नाराज है, वो कहते हैं कि संसद में सरकार उनके भाषण से डरती है इसलिए माइक बंद कर देती है। नहीं, बोलते बोलते वो खुद ही रुक जाते हैं, हम क्या करें। आपने देखा होगा उन्होंने इस बार बोलना प्रारंभ किया तो फिर पता नहीं, आपने देखा होगा। मैं माइक तो किसी की बंद नहीं हुई, वो खुद ही बंद हो जाते हैं, खुद ही बोलना बंद कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन राजनाथ जी, संसद सत्र में 150 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जाना, ऐसा राजनीति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। नहीं नहीं, देखिए ये तो स्पीकर का रोल होता है इसमें मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष को इसलिए उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा। संसद की कार्रवाई ठीक तरीके से चले, संसद में डिसिप्लिन बनी रहे, इसको इंश्योर करना यदि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि किसी की होती है, स्पीकर अथवा चेयरमैन की होती है। यह सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हम लोग स्पीकर चेयरमैन पर प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर आता हूं, 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, राजनाथ सिंह जी के लिए तारीख क्या मायने रखती है? मुझे लगता है कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शायद रामलला के आशीर्वाद से यह अब सुनिश्चित हो गया है कि आगे अब राम राज्य आने की प्राप्त शुरुआत हो गई है। अब रामलला अपनी उस कुटिया से अब अपने महल में लौट चुके हैं, भव्य मंदिर बन चुका है। तब राम यदि आ गए अपने महल में तो फिर राम राज्य प्रारंभ होना ही होना है, यह होकर रहेगा। देखिएगा, विपक्षी पार्टियों ने न्योता ठुकरा दिया, उनका यह आरोप है, वो ये कहते हैं कि ये पूरा मामला ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक कार्यक्रम था। नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम कैसे था, निमंत्रण सभी को गया था, कांग्रेस के अध्यक्ष को भी गया था, सोनिया जी को भी गया था, सारे विपक्षी दल के सारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबको आमंत्रित किया गया था। ये कहना कि आमंत्रित नहीं किया गया है यह सर्वथा गलत है। लेकिन ये कहा गया कि जो 22 जनवरी को वहां पर नहीं गया वो राम विरोधी है, सनातन विरोधी। हम लोगों ने कभी नहीं कहा किसी को ऐसा, नहीं है मतलब हम लोगों ने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि नहीं गया वो राम विरोधी है, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। राजनाथ जी, एक और विवाद जो जिस पर हम चाहेंगे आप हमें बताएं थोड़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में लागू हो चुका है, कुछ और राज्यों में तैयारी है, क्या केंद्र भी तैयारी कर रहा है? नहीं, अभी तो उत्तराखंड राज्य ने केवल किया है, अब आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसमें भी मैं साफ जाहिर कर देना चाहता हूं कि 1951 से जब हम जनसंघ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे तब से सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे, यह हमारा हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो का ही है एक मेन, जिसे कहा जाए मुख्य मुद्दा रहा है। कई मुस्लिम धर्मगुरु और कई मुस्लिम नेता ओवैसी साहब, उनका यह कहना है कि यह हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर पहल है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है, एक वे ऑफ लाइफ है। और भारत रहने वाले जो लोग हैं, मेजॉरिटी उन्हीं की है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, भारत उसी वे ऑफ लाइफ से, उसी जीवन पद्धति से आगे बढ़ रहा है। और मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी जाति पंथ अथवा मजहब की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, यह इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, इसकी पॉलिटिक्स करने वाली है राजनीतिक पार्टी। जाति पंथ मजहब की हम लोग राजनीति नहीं करते।
सभी अपने अपने धर्मों का पालन करें, यह हम चाहते हैं। लेकिन धर्म को लेकर भी किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और कभी आपने देखा होगा किसी के ऊपर हम लोगों ने कोई प्रतिबंध तो लगाया नहीं। इस प्रकार के जब कुछ मुद्दे नहीं मिलते ना, मैंने कहा अब भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारे ऊपर लगा नहीं सकते, 10 साल में नहीं लगा पाए, क्या करें। तो नॉन इश्यूज को इशू बनाने की वो कोशिश करते हैं। राजनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, आप हमारे से इनॉग्रल में आए, जोरदार तालियों से एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। From fragile 5 to top 5, from a laggard to a leader, India under Modi has reimagined the world order. Presenting the second edition of TV9, What India Thinks Today. Summit theme, India poised for the next big leap. Listen to Prime Minister Modi unveil his vision for Vikasit Bharat at News 9 Global Summit, a TV9 network initiative. Presented by Poonawalla Fincorp, Enabling Dreams. Co-powered by Sugar Free. एक छोटा सा चेंज फॉर फिटनेस, बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। अल्ट्राटेक देश का नंबर वन सीमेंट, नो स्ट्रेस फिनोलेक्स। प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट्स कलौंजी के साथ मक्खन का तड़का, स्पेशल पार्टनर। प्रभु जी मिठाई हो या नमकीन, बस मौका चाहिए जी। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। दिल से गुजरे इनके रास्ते, जादूगर बन गए जबके वास्ते, सबका जब यूं रखे ख्याल, सबका बस यूं ख्याल हो जो दिल से आए। जब सामना हो कैंसर से तो नारायणा हेल्थ रखेगा आपका ख्याल। Inspired by the energy of fire, Wildstone, Code Pyro.